हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस अंतिमा लाइफस्टाइल। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और मैंने इतना ज़्यादा वीडियो अपनी गैलरी में सेव करके रखा हुआ है, बट मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। डिमोनेटाइज बोलने जा रही थी क्या मैं अभी? बट मैंने आज सोचा, आज संडे था तो मैंने सोचा पार्सल बहुत सारे मेरे इकट्ठे हो गए तो क्यों ना इनका ही रिव्यू कर दिया जाए, तो मैं ये करने वाली हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वाला चीज़ मंगाया जो कि ब्लॉगर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता ही है, ट्राईपोड। और वो भी एक ट्राईपोड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वन है ये वाला ट्राईपोड, एक ट्राईपोड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और क्या चाहिए। तो चलिए मैं उसका अनबॉक्सिंग करती हूँ जो कि अभी आया है और सारे पार्सल मेरे पहले के हैं। तो ये रहा मेरा ट्राईपोड जो फ़िलहाल ही में आया है, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ जल्दी से, फिर दिखाती हूँ आपको। वाओ, सो गाइस ये रहा हमारा ट्राईपोड जो कि बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है आपको और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। ये इस तरह से था, सो गाइस ये काफ़ी अमेजिंग सा प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अमेजिंग सा ये ट्राईपोड है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रिसीव होता है एंड ये रहा मोबाइल होल्डर और यहाँ से हम इसको, सो सॉरी गाइस अभी पापा जी आ गए थे, तो ये कुछ इस तरह से है एंड इसको ऐसे ओपन करना है। और ये रहा इसका फ़ोन का होल्डर और इस तरह से हम यहाँ पर दबाएँगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम ब्लॉगिंग, अगर हमें ब्लॉगिंग करना है तो हमें ऐसे करना रहता तो हम इस तरह से पकड़ के ब्लॉगिंग कर सकते हैं ताकि हमारे पीछे का जितना भी व्यू है वो सब इसमें कैप्चर हो सके। तो इस तरह से करके हम अपना ब्लॉग इसमें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है इसके लिए। एंड इसका एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा तीसरा ऑप्शन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फोल्डर, ये इसको आपको ऐसे ओपन करना है। सीरियसली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये और प्राइस बताऊंगी तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह से रहा, आप इसको स्टैंड को ऐसे रख भी सकते हैं। सो गाइस है ना अमेजिंग सा प्रोडक्ट, तो अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं, मैंने इसे मीशो से लिया है ओनली 200 रुपीज़ में, है ना। तो अगर आपको लेना हो तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर से ज़रूर बाइक कर लीजिएगा क्योंकि अगर ब्लॉगिंग करनी है तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ले लीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ और क्या मंगाया मैंने। सो गाइस फाइनली इतना मेहनत के बाद ये मेरा पार्सल खुल गया है। ये देख सकते हैं आपने इसकी हालत मैंने क्या बना दी है, खुल ही नहीं रहा था इतना ज़्यादा ये मोटा पैकिंग होके आया ना, ये मिसो वाले भी ना अभी भी नहीं निकल रहा, बताओ बोला निकल जाओ। ये देखिए वाला इतना मोटा पैकेज में आया। सो ये रहा, ये चारकोल मास्क है जो कि मुझे इसे लगाना था, मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड होता है ना यहाँ पे नोज पे हो जाता है,
मेरा भी खास करके नोज पे ही होता है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया। आप पूरे फेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको यूज़ करके भी बताऊँगी। तो ये मंगाया मैंने, ये इसकी प्राइस मैं बता दूँ आपको। इसको मंगाया था मैंने, गाइस प्राइस तो याद नहीं आ रही, बट पक्का 100 में मंगाया था मैंने इसको। तो ये है चारकोल मास्क, मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कभी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था वो है ये आईब्रो क्या बोलते हैं इसको, टिंकल रेजर्स, जो कि आईब्रोज बनाता है। बहुत ही अच्छे से इससे आईब्रोज बन जाते हैं, सेट हो जाते हैं पूरे, बिल्कुल भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ और इसे कटने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से रहता है, इसमें दिए रहते हैं कट, छोटे छोटे कट दिए रहते हैं, जिससे कि कटने का डर उतना नहीं रहता है। पर जो प्लेन होते हैं उससे कटने का डर होता है, तो कोशिश करें कि प्लेन वाला ना मंगाएं। बाकी ये आईब्रोज के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने क्या मंगाया है, चलिए देखते हैं। ये प्रोडक्ट मेरा कितने दिन से लिया के रखा हुआ था, बट मैं खोल नहीं रही थी। ये है वैक्सिंग करने वाला स्ट्रिप, जो कि हम ऐसे करके इसको उखाड़ते हैं, बट मैंने मंगा लिया है। वैक्सिंग तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने सोचा ट्राई करते हैं एक बार, तो वहीं मैंने दो दो स्ट्रिप मंगा रखा है। साइज मैंने शायद पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।